हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए थे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हैंगिंग प्रॉब्लम के मैं आपको चार तरीके बताऊंगी। वैसे तो कई से तरीके होते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और उसके बाद आपको कैसे हैंगिंग प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत छुटकारा पाएं तो उसको वो बताऊंगी सॉल्व करना। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मतलब कि हैंग तब करता है आपका फ़ोन जब आपकी फुल स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज जो आपका है, फाइल है जो आपका फ़ोटोज़ वीडियो फालतू मतलब कि जो आपके काम करने आपने फिर भी रख रखे आपके फ़ोन में, तो वो हटाएं, डिलीट करें। और इसके बाद डिलीट करने के बाद आपको डिलीट लिस्ट में भी होता है वो वापस, तो आप वहाँ से ही हटाएं। इसके बाद आपका क्लियर मतलब कि जो है फाइल में जो भी है प्रॉब्लम, मतलब कि जब फुल स्टोरेज हाफ करे उसके बाद जो थोड़ा बहुत हैंग प्रॉब्लम जो होता है, हैंगिंग प्रॉब्लम, वो सॉल्व होगा। और एक और तरीका है, जैसे कि आपका फ़ोन जब हैंग करता है तो आप स्विच ऑफ करें या फिर रीस्टार्ट। और इसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा, और उसके बाद आपको इस प्रकार से आएगा ऑप्शन, देख सकते हैं रीस्टार्ट, यानी कि आपका स्विच ऑफ होकर अपना आप ओपन होना। और इसके बाद आपका स्विच ऑफ यानी पावर ऑफ, यानी कि आप स्विच ऑफ करके दोबारा से ओपन करने के लिए उसी को प्रेस करके रखें और आपका ओपन होगा। पर रीस्टार्ट करेंगे तो आपको सही रहेगा ज़्यादातर, रीस्टार्ट करने से आपका स्विच ऑफ होकर अपने आप ओपन होगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके हैंगिंग प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका पूरा स्क्रीन ऑन करता है, होम स्क्रीन हैंग करता है, तब उसको हम रीस्टार्ट करते हैं। और इसके बाद आपको, और फ्रेंड्स, मैंने आपको दूसरा तरीका बताई थी, ये तीसरा तरीका ये है कि अगर आपसे आपको लगता है कि ऐप में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ज़्यादातर कीबोर्ड में प्रॉब्लम होता है मेरी, और कीबोर्ड के ऐप का नाम है जीबोर्ड, और उसको क्लियर स्टोरेज करना। सभी ऐप को क्लियर स्टोरेज करने से ये होगा जो भी आपका ऐप में कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और उसके बाद इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है मतलब क्लियर डाटा करने के लिए। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा ऐप मैनेजमेंट, आप उस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहीं पे दिखेगा ऐप लिस्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको लॉगिन हो रहा है, और इसके बाद यहाँ देखेंगे सभी ऐप आ चुके हैं, यहाँ पर सभी ऐप है, और जिस ऐप में कोई प्रॉब्लम है उसी पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो कीबोर्ड ही है, जीबोर्ड कहते हैं इसके ऐप का नाम, तो आप इस पर क्लिक करें। और उसके बाद आपको स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना, जैसे कि आपका प्ले स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, आप उसी के स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको क्लियर डाटा कर देना है, कोई भी ऐप हो आपका। और क्लियर डाटा करने से जो है हैंगिंग प्रॉब्लम का जो कीबोर्ड में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और जब होता है, जब मतलब कि बार बार होगा, जब बार बार क्लियर डाटा करें, और उससे आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इसके बाद लास्ट तरीका बता रही है, फैक्ट्री रीसेट करना, यानी कि फ़ोन का रीसेट करना। इन सभी तरीकों करने के बाद भी आपका हैंगिंग प्रॉब्लम कम नहीं हुआ है तो आप उसको रीसेट करें। एक ऐप ही भी होता है हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो वो ऐप मेरे में नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास है तो आप कमेंट में जवाब दें। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आप सेटिंग को ओपन करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन, मतलब कि फ़ोन को रीसेट करना, फैक्ट्री रीसेट करना एक ही बात होता है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा बैकअप रीसेट, आप उस पर क्लिक करें। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फैक्ट्री इरेजर ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, आपको उस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ दिखेगा इरेजर ऑल डाटा, आपको उस पर क्लिक करें। और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद जो भी स्क्रीन लॉक उसको ड्रॉ करेंगे, और इसके रेड वाले निशान पे क्लिक करते हैं आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। पर उस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके में डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, ये सभी चीज़ें हैं और योर गूगल अकाउंट, तो आपको वो हट जाएगा। एक बार हट गया तो वो वापस नहीं आएगा, आपको सबको दोबारा से लेके आने के लिए सब मेहनत करनी पड़ेगी, और ऊपर से MB भी खर्च होगा, जैसे डाउनलोड ऐप हो गया, म्यूज़िक ऐप हो गया, या फिर कैमरा, और इसके बाद आपका शेयरमी होगी, ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएंगे। और इसके लिए आप अगर आप चाहते हैं ना हटे तो आप दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तब उसको रीसेट कर मतलब इन्हें रीसेट कर सकते हैं बाद में। और इसके बाद आपका जब रीसेट करते हैं तो जब से रीसेट करने के बाद इसे कैसे ओपन करते हैं वो मैंने बना रखी है वीडियो, आप देख लेना मेरे वीडियो में जाकर। तो इसी प्रकार से मतलब कि रीसेट होने के बाद इसे ओपन कैसे करते हैं वो बता रखी है, और उसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को रीसेट करके हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये लोग मतलब कई लोग महीने में या साल में करते हैं, ये कम ही यूज़ करते हैं इसे मतलब इस फ़ोन को रीसेट करना। और अगर आपका अभी भी नहीं होता तो सर्विस के पास जाना होगा, सेंटर सर्विस के पास जाना होगा आपको, जब आपके फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रहा हो। तो उस प्रकार से आप अपने फ़ोन को रीसेट करके मतलब कि हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
और इसी प्रकार से आप अपनी फ़ोन को हैंगिंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।